नमस्कार दोस्तों, पाथफाइंडर में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है डॉक्टर महिपाल सिंह राठौड़ और आज इस वीडियो में मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री की लेक्चर सीरीज को हम कंटिन्यू रखेंगे और एंग्लो मराठा वॉर्स को हम डिस्कस करेंगे। पिछले लेक्चर में मैंने एंग्लो मैसूर वॉर्स को डिस्कस किया था। आई होप आपको उन लड़ाइयों के कौन कौन से ईयर्स थे, क्या ट्रीटीज़ हुई थी, वो सब कुछ याद होगा। यहाँ पर भी आज बहुत सारी ट्रीटीज़ आने वाली हैं, तो घबराइए नहीं, आपको मैं बताऊंगा कि आपको क्या याद रखना है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्या इंपॉर्टेंट है, और बाकी मैं आपको एक कहानी के रूप में सब कुछ बताता जाऊँगा तो आपको याद होता जाएगा। कुछ दिन पहले मैंने आप लोगों से वादा किया था कि मैं एक फ्री टेस्ट सीरीज लॉन्च करूंगा पाथफाइंडर के स्टूडेंट्स के लिए, तो वो टेस्ट सीरीज पूरी तरह से तैयार है। 13 मार्च को इसका पहला टेस्ट शुरू हो जाएगा, तो अभी एक सेक्शनल टेस्ट के रूप में आप ये मॉक टेस्ट को दे सकते हैं। और याद रखिए, ये इनिशिएटिव कंप्लीटली फ्री है, आपको इसका कोई पैसा नहीं देना है। अगर आपको इस टेस्ट सीरीज को ज्वाइन करना है तो नीचे पिंड कमेंट में जो लिंक दिया गया है उस पर क्लिक कीजिए, सीधे आप पाथफाइंडर टेस्ट सीरीज के पेज पर पहुंच जाएंगे। तो देखिए, अभी हमने 16 टेस्ट डिजाइन किए हैं इस महीने के लिए, यानी मार्च के महीने के लिए, तो टेस्ट शुरू हो रहे हैं 13 तारीख से। ठीक है, 13 तारीख को ये टेस्ट शुरू हो जाएगा। आपको क्या करना है, यहाँ पर जाकर इन एक एक टेस्ट को देना है, और इसमें जो अच्छा स्कोर करेगा उसके लिए एक छोटा सा सरप्राइज भी रखूंगा मैं। तो अभी के लिए देखो, ये प्लान है कि हम सेक्शनल टेस्ट रखेंगे। जैसे हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर का टेस्ट होगा 15 मार्च को, उसके बाद 16 मार्च को होगा साइंस एंड टेक और इंटरनेशनल रिलेशंस, फिर उसके बाद 17 मार्च को ज्योग्राफी और एनवायरमेंट इकोलॉजी का, पॉलिटी का और गवर्नेंस का टेस्ट नंबर 5 है 18 मार्च को। तो इस तरह से हफ्ते में 6 दिन आपको सेक्शन वाइज, सब्जेक्ट वाइज टेस्ट यहाँ पर देखने को मिलेंगे, और मार्च के एंड तक का जो पूरा प्लान है टेस्ट सीरीज का वो आपको यहाँ पर मिल जाएगा। तो इसमें एनरोल करने के लिए आपको यहाँ एनरोल बटन पर क्लिक करना है, और इससे आप ये टेस्ट सीरीज में एनरोल हो जाएंगे, और इन टेस्ट को लगातार देते रहिए प्रीलिम्स के लिए, आपकी तैयारी इससे काफ़ी अच्छी होगी। अगर आप यूपीएससी एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पर, तो यहाँ पर भारत के बेस्ट एजुकेटर्स डेली लाइव क्लासेस लेते हैं। देर आर मेनी फ्री क्लासेस अवेलेबल, लेकिन एक पेड सब्सक्रिप्शन में आपको स्ट्रक्चर्ड मैनर में कोर्स देखने को मिलेगा, कंप्लीट करने को मिलेगा। इन कोर्सेज को आप दो तरीके से सब्सक्राइब कर सकते हैं, एक है प्लस कोर्स और एक है आइकॉनिक कोर्स। प्लस कोर्स में आपको मिलेंगी क्लासेस, और यहाँ पर ये प्राइसेस आपको पे नहीं करने हैं। यूज द कोड महिपाल एंड यू कैन गेट अ डिस्काउंट ऑफ 10%, फ्लैट 10% आपको वहीं पर डिस्काउंट मिल जाएगा। आइकॉनिक कोर्स में आपको एक पर्सनलाइज मेंटोर मिलेगा, जो आपकी डे टू डे डाउट्स को सॉल्व करेंगे, आपके जीएस मेंस आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस करवाएंगे। और यहाँ पर आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन के लिए भी अगेन ये प्राइसेस पे नहीं करनी है, आपको कोड यूज़ करना है महिपाल और इन प्राइसेस को पे करना है अगर आप इनको सब्सक्रिप्शन को लेते हैं। इन सब्सक्रिप्शंस को साथ में परचेस करेंगे तो प्राइस का कुछ आपको बेनिफिट होगा। ऑप्शनल की तैयारी भी आप इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से कर सकते हैं, और बैंक, रेलवेज, SSC, स्टेट, PCS जैसे एग्जाम सभी के लिए अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पर कोर्सेज उपलब्ध हैं। डू नॉट पे दीज प्राइसेस, यूज़ द कोड महिपाल एंड गेट 10% डिस्काउंट, और ये प्राइसेस आपको पे करनी रहेंगी। अब आते हैं हम हमारे टॉपिक पर। तो 1761 में थर्ड बैटल ऑफ पानीपत के बाद मराठा पावर उत्तर भारत में काफ़ी कमज़ोर पड़ गया है। इनफैक्ट मराठास कुछ सालों के लिए तो बिल्कुल एक डिसअरे में थे, यानी कि उनके पास ना उनको समझ में आ रहा था क्या स्ट्रैटेजी रहनी चाहिए, किस तरह से नॉर्थ इंडिया पर फिर से कब्जा जमाया जाए। लेकिन ऐसा नहीं है कि मराठा पावर खत्म हो गया था, ये बैटल ऑफ तालीकोट की तरह नहीं है कि विजयनगर पूरा खत्म हो गया, ध्वस्त हो गया, क्योंकि मराठा कैपिटल कहाँ था, पुणे में पेशवा बैठते थे, और यहाँ पर अच्छा खासा इनका पावर था, सेंट्रल इंडिया पर इनका पूरा रूल था। अब्दाली तो लड़ाई लड़कर वापस चला गया था, तो अब्दाली यहाँ पर कुछ भी नहीं करके गया था, बस एक नॉर्थ इंडिया में वैक्यूम बनाकर चला गया था। लेकिन धीरे धीरे मराठास ने अपने पावर को रीगेन किया। 1770 आते आते 1771 के आसपास इन्होंने फिर से नॉर्थ इंडिया में अपनी आर्मीज भेजी, रोहिल्लास को काफ़ी पनिश किया, रोहिल्ला के खिलाफ कैंपेन चलाया, दिल्ली मुगल दरबार को पूरी तरह से अपने कब्जे में ले लिया। और मैंने आपको बताया था महाड़जी शिंदे जो थे उनके नेतृत्व में ये सब कुछ हो रहा था। ठीक है, अब इसी बीच में जो पेशवा की कहानी है वो हम यहाँ पर समझेंगे, क्योंकि जो एंग्लो मराठा वॉर्स है उसके लिए आपको पेशवा का जो सक्सेशन है वो थोड़ा समझना जरूरी है। ओके, तो अभी बस एक नाम याद रख लो कि महाड़जी शिंदे जो ग्वालियर पर रूल करते थे, सिंधिया डायनेस्टी, उन्होंने नॉर्थ इंडिया में फिर से 1771 में मराठास का पावर जमा दिया था। अब आ जाओ इस पेशवा फैमिली ट्री पर। तो लेक्चर नंबर 2 में भी मैंने आपको ये दिखाया था, बालाजी विश्वनाथ भट्ट ये पहले पेशवा थे जो हेरिडिटरी पेशवा बन गए थे 1713 से 1719 तक। ठीक है, इनका बेटा बाजीराव द फर्स्ट, तो बाजीराव के समय में पेशवा पावर बिकेम वेरी इंपॉर्टेंट 1720 से, अब मैं 1700 नहीं लिख रहा, केवल 20 से 40 तक बाजीराव फर्स्ट थे। ठीक है, उसके बाद उनके बेटे बालाजी बाजीराव, जिनको नाना साहेब भी कहा जाता था, ये थे 40 से 61 तक। तो जब थर्ड बैटल ऑफ पानीपत होती है उस समय पेशवा कौन है, बालाजी बाजीराव। और नाना साहेब के समय पर पेशवा खुद लड़ाई लड़ने नहीं जाते हैं, ही इज बिकम मोर ऑफ एन एडमिनिस्ट्रेटर, एक ही जगह पूना में बैठे रहते हैं और वहां से रूल देते हैं कि सिंधिया लड़ाई लड़ लो, होलकर तुम ये लड़ाई लड़ लो। तो ये जो मराठा चीफटेन्स हैं या फिर जो मराठा कॉन्फेडरेसी बन चुकी है, अब ये मेनली लड़ाइयां लड़ती है, पेशवा तो केवल पूना में बैठे बैठे आदेश देते हैं। ये ट्रेंड नाना साहेब के समय से शुरू हुआ, बाजीराव 1 खुद जाकर लड़ाई लड़ते थे, इन्होंने बहुत सारी लड़ाइयां लड़ी थी।
पानीपत की लड़ाई में इस परिवार के कई लोग मारे गए थे। सदाशिव राव भाऊ हु वॉज द लीडर ऑफ द मराठा आर्मी इन पानीपत, ये लड़ाई में मारे जाते हैं। उसके अलावा नाना साहेब के खुद के सबसे बड़े बेटे 18 साल के विश्वास राव, जो कि मराठा पेशवा के एयर हैं, यानी कि ये गद्दी के वारिस थे, इनकी भी डेथ हो जाती है। तो ये एक बहुत बड़ा झटका था एम्पायर के लिए। उधर मस्तानी से जो मस्तानी बाई से बाजीराव का जो बेटा था शमशेर बहादुर, ही ऑल्सो डाइज। तो कई बड़े फेमस योद्धा जो हैं इस परिवार के, उनकी डेथ हो जाती है इस कैंपेन में। और बालाजी बाजीराव यानी नाना साहेब, ये खुद पानीपत की जंग के बाद डिप्रेशन में चले जाते हैं, इनकी तबीयत खराब हो जाती है और 6 महीने बाद इनकी भी मृत्यु हो जाती है। तो अब इस फैमिली ट्री में सबसे इंपॉर्टेंट व्यक्ति कौन बचा? रघुनाथ राव। रघुनाथ राव जो है ये नाना साहेब के छोटे भाई थे, और पानीपत की लड़ाई के समय इनकी उम्र मान लो अप्रॉक्सीमेटली 30 साल के आसपास थी। तो ही वॉज यंग, ही वॉज केपेबल, इन्होंने कई आर्मी कैंपेन्स लड़े थे। याद करो 1757 में नॉर्थ इंडिया का कैंपेन रघुनाथ राव ही लेकर गए थे। वो तो पानीपत की लड़ाई में भी इन्हीं को लीड करना था, लेकिन ये इंटरनल पॉलिटिक्स के कारण ये नहीं गए थे, सदाशिव राव भाऊ को भेजा गया था, बिकॉज भाऊ वॉज वेरी क्लोज टू नाना साहेब। खैर वो सब हमारे काम का नहीं है। अभी हमको क्या याद रखना है, जो आपको याद रखना है बेसिकली, मुझे तो क्या रखना है, क्वेश्चन आपको सॉल्व करने हैं। बालाजी बाजीराव डेथ हो चुकी है, विश्वास राव डेथ हो चुकी है, सदाशिव राव भाऊ डेथ हो चुकी है, तो पेशवा कौन बनेगा अगला? या तो छोटा भाई बनेगा रघुनाथ राव, 30 साल की उम्र है, ही इज परफेक्ट। लेकिन भारत में ऐसा नहीं होता है, जनरली राजा का बेटा ही राजा बनता था। तो यहां पर भी पेशवा का जो यंग बेटा है, दूसरा बेटा माधव राव को पेशवा की गद्दी पर बिठाया गया। हालांकि रघुनाथ राव ने काफी प्रॉब्लम्स करी थी इस समय पर भी, क्योंकि ये अपने आप को बहुत योग्य समझते थे और इन्हें बहुत दिक्कत होती थी कि कोई दूसरा इनकी योग्यता को समझ नहीं पाता है ना, तो दुनिया इनकी योग्यता को नहीं समझ पा रही थी। लेकिन क्या करें, माधव राव वन को बनाया गया पेशवा, एंड ही वॉज वेरी यंग, ही वॉज 17-18 ईयर्स ओल्ड। तो इनको पता था कि देखो मैं जवान हूं, तो रघुनाथ राव को एज ए रीजेंट बिठाया गया था कि आप देख लेना सब आसपास। लेकिन क्या होता है, एक साल के अंदर अंदर इन लोगों की बनती नहीं है, तो रघुनाथ राव और माधव राव आपस में लड़ने लग गए थे बाय 1762, जिसमें रघुनाथ राव जीत गया था। रघुनाथ राव ने पेशवा की आर्मी को हराकर और उनको कुछ समय के लिए तो नजरबंद भी कर दिया था। और रघुनाथ राव कौन सी आर्मी लेकर लड़ते थे, अब आप सोच रहे होंगे। तो रघुनाथ राव जो है ये एक निराले ही कैरेक्टर थे, क्योंकि ये खुद पेशवा के छोटे भाई थे, बहुत फेमस मिलिट्री लीडर थे, तो ये अपनी खुद ही एक अलग आर्मी कमांड किया करते थे, जहां मन किया वहां अटैक कर दिया। पेशवा की ज्यादा सुनते उनते नहीं थे ये, ही वॉज दैट काइंड ऑफ अ कैरेक्टर। तो रघुनाथ राव के साथ लड़ाई हुई माधव राव की, उसके बाद माधव राव कुछ सालों के लिए कमजोर पड़ गए। लेकिन 1768 आते आते माधव राव थोड़ी उम्र बढ़ती है और माधव राव ने फाइनली रघुनाथ राव को थोड़ा कंट्रोल में कर लिया। एक लड़ाई हुई थी छोटी सी, जिसमें रघुनाथ राव हार गए और इनको पैलेस में नजरबंद कर दिया गया। जेल वेल में नहीं डाला, सगे काका है ना, पुराने पेशवा के भाई थे तो ऐसे थोड़ा ना जेल में डाल देंगे। तो रघुनाथ राव को शनिवारवाड़ा, जो इनका पैलेस था पुणे में, उसमें नजरबंद कर दिया गया। कहा कि काका आप चुपचाप यहां बैठो, इधर उधर नहीं जाओगे, शांति से मेरे को राज करने दो। तो माधव राव वन, डिस्पाइट हिज यंग एज, ही वॉज अ गुड एडमिनिस्ट्रेटर, काफी कुछ इन्होंने रिफॉर्म्स लाने की कोशिश भी करी थी। लेकिन इनकी किस्मत खराब थी कि इनको हो गया ट्यूबरक्लोसिस, तो टीबी के कारण 1771 आते आते ये तय हो गया था कि भाई अब इनकी तो डेथ होनी है, क्योंकि उस वक्त टीबी का कोई इलाज नहीं था। तो लगभग 1.5-2 साल इनकी तबीयत बहुत खराब रही, एंड फाइनली ही डाइड। अब ऐसे समय में रघुनाथ राव की फिर से किस्मत चमकी। रघुनाथ राव सोच रहे हैं कि अब मेरे पास सेकंड मौका आया, दूसरा मौका आया कि अब मैं फिर से पेशवा बन सकता हूं। लेकिन बालाजी बाजीराव का एक तीसरा बेटा भी था, नारायण राव। अब ये नारायण राव जो है, अगेन ये भी 15-16 साल का है, बहुत यंग है, ही वॉज अराउंड 16 ईयर्स ऑफ एज। ठीक है, 1755 का जन्म था, तो क्या उम्र हुई, हाँ 16 साल के आसपास एज है नारायण राव की। फिर से रघुनाथ राव बोले, यार ये क्या बात हो गई, फिर से बच्चा बैठेगा गद्दी पे, मेरे को बनना चाहिए, मैं अभी भी जवान हूँ, 37-38 साल का हूँ, मेरी कोई बहुत ज़्यादा एज थोड़ी ना है, 40 का भी नहीं हुआ हूँ अभी तक तो मैं। तो 1772 में नारायण राव बनते हैं पेशवा, लेकिन इस बार रघुनाथ राव चुपचाप नहीं बैठा। रघुनाथ राव ने क्या किया, 7-8 महीने के अंदर अंदर ही एक प्लान रचा, एक साजिश रची, और शनिवारवाड़ा में खुद के पैलेस में पेशवा पर हमला करवा दिया। ये बेचारा 16-17 साल का बच्चा काका काका करते करते अपने रघु काका के कमरे की तरफ भागा कि मुझे कोई मारने आ गया है, मेरे ही पैलेस में रघु काका बचा लेंगे, इतने बड़े वॉरियर हैं, इतने बड़े योद्धा हैं। लेकिन रघु काका के कमरे में ही जब ये पहुंचा, तब रघु काका ने इनको मरवा दिया। इसी रूम के अंदर नारायण राव की हत्या कर दी गई और तुरंत रघुनाथ राव ने पावर अपने हाथ में ले लिया। अब ऐसा नहीं है कि रघुनाथ राव जब पावर में आया तो बाकी सारे जो पेशवा के काउंसिल के मिनिस्टर्स वगैरह हैं वो शांत बैठे थे। उनको डाउट तो था ही कि ये रघुनाथ राव ने हत्या करवाई है। आरोप किस पर लगाया गया कि कुछ सैनिक हैं, कोई गर्दी सैनिक थे, उन पर आरोप लगा दिया गया कि वो अपनी सैलरी वैलरी से खुश नहीं थे, तो रघुनाथ राव ने कहा कि उन लोगों ने इसलिए आकर पेशवा की हत्या कर दी। जबकि एक ओपन सीक्रेट था कि रघुनाथ राव के सपोर्ट के बिना ये नहीं हो सकता है। अब क्या है कि ये नारायण राव जो था ना, इसका कोई बच्चा नहीं था, लेकिन किस्मत से इनकी वाइफ प्रेग्नेंट थी और इनकी डेथ के लगभग 7 या 6 महीने बाद इनको एक बेटा हुआ, माधव राव द सेकंड। तो जब तक ये पुत्र नहीं हुआ था, तब तक रघुनाथ राव अपने
कैपिटल में यानी कि पूना में शनिवार वाड़ा पर कब्जा करके बैठे थे। हालांकि बहुत सारा रेजिस्टेंस मिल रहा था इनको दूसरे मंत्रियों के द्वारा, लेकिन फिर भी ये अपनी सत्ता बनाकर बचाकर बैठे थे। लेकिन जैसे ही माधवराव द सेकंड का जन्म होता है तो इस एक महीने के बच्चे को ही कुछ मिनिस्टर्स पेशवा घोषित कर देते हैं और रघुनाथ राव को बोलते हैं कि तुमने तो हत्या करवाई है नारायण राव की, तुम्हें तो हम जेल में डालेंगे। तो रघुनाथ राव को अल्टीमेटली पूना छोड़कर भागना पड़ता है। तो अभी तक की जो ये कहानी है आई होप आपको याद रहेगी, नहीं रहे तो बस इतना सा याद रख लेना कि फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर शुरू होने के पीछे बहुत बड़ा कारण ये था कि रघुनाथ राव पेशवा बनना चाहता था और उसको मौका नहीं मिल रहा था, उसकी योग्यता को कोई पहचान नहीं रहा था, और रघुनाथ राव के कारण ही फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर शुरू होता है। अब ये सब जो मैंने आपको इतनी देर उस फैमिली ट्री के साथ समझाया वो सब यहाँ पर समराइज्ड है। ईयर याद रखने की उम्मीद मैं आपसे नहीं रखता हूँ, ना ही आपसे यूपीएससी में एग्जामिनर्स रखते हैं, लेकिन आपको नाम याद होने चाहिए कि जैसे माधव राव फर्स्ट पानीपत की लड़ाई के बाद कौन पेशवा बनता है, ये बनते हैं क्योंकि इनके पिताजी की डेथ हो गई थी 6 महीने में। नारायण राव केवल कुछ महीने के लिए पेशवा रहे, बच्चा था, इसकी हत्या करवा दी गई किसके द्वारा, रघुनाथ राव ने, ठीक है, रघुनाथ राव ने इनकी हत्या करवा दी। फिर माधव राव सेकंड 40 दिन की उम्र में इस बच्चे को गद्दी पे बिठा दिया गया और 21 की एज तक ये जिंदा रहे। उसके बाद इनकी भी अलग ही कहानी है, इन्होंने 95 में सुसाइड कर लिया, शनिवार वाड़ा से कूद गए नीचे, ठीक है। उसके बाद बाजीराव सेकंड इसको सत्ता में पेशवा बनाया जाता है, ही वॉज लाइक अ पपेट पेशवा फॉर द फर्स्ट फ्यू ईयर्स, कहानी आगे बताऊंगा कि कैसे। अब नारायण राव की हत्या और रघुनाथ राव के पावर लेने के तुरंत बाद यानी कि 1773 में क्या होता है, एक 12 लोगों की काउंसिल बनती है, बार भाई काउंसिल इसको कहा जाता है, इंपॉर्टेंट है नाम याद रख लेना। इसमें 12 मंत्री हैं जिनमें सबसे इंपॉर्टेंट है नाना फडणवीस। तो ये सभी जो हैं ये वो 12 मंत्री हैं जो रघुनाथ राव को भगा देते हैं पूना से। ये बोलते हैं कि भाई तुमने ही हत्या करवाई थी नारायण राव की और हम तो तुम्हें स्वीकार नहीं करते हैं, हम तो इस बच्चे को बिठाएंगे, 40 दिन का जो ये बच्चा है माधव राव इन्फेंट, इसको हम पेशवाई इसको देंगे और रघुनाथ राव को तो जेल में डालेंगे। तो नाना फडणवीस का रोल मराठा पॉलिटिक्स में अगले 20 साल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इनके बारे में बेसिक्स आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए। नाना फडणवीस एक काउंसिल मिनिस्टर थे पेशवा के समय में, लेकिन माधव राव सेकंड जब गद्दी पर आते हैं उस समय ये अचानक से पावरफुल हो जाते हैं। अचानक से तो कैसे होते हैं, नाना फडणवीस देखते हैं कि भाई ये तो वैक्यूम है, रघुनाथ राव तो बर्बादी पे तुले हुए हैं परिवार की, तो ऐसे में नाना फडणवीस और ये जो 11 अन्य मंत्री हैं ये पावर अपने हाथ में लेते हैं, उस बच्चे को पेशवा की गद्दी पर बिठाया जाता है और एक्चुअली डे टू डे मैनेजमेंट ये लोग करते हैं। तो अगले 20 साल तक माधव राव तो बच्चा ही है ना, 20 साल तक अगले तब तक नाना फडणवीस के हाथ में ही प्रैक्टिकली सारी मराठा पावर है। तो पेशवा नाम का है, पावर नाना फडणवीस के नाम पे। देख रहे हो आप कहानी कैसे रिपीट हो रही है, जो आज से 70 साल पहले पेशवास ने किया था वो सेव अब इनके साथ हो रहा है। तो नाना फडणवीस को मराठा माकियावेली भी कहा जाता है और इनको इसलिए इंपॉर्टेंट मानते हैं क्योंकि इनके कारण 20 साल तक एंग्लो मराठा वॉर्स फर्स्ट और सेकंड के बीच में शांति बनी रही थी। और ही वॉज वन ऑफ द फर्स्ट पीपल इन इंडिया जिसने एक्चुअली में रियलाइज किया था कि ईस्ट इंडिया कंपनी हमारे लिए खतरनाक है, ना कि ये जो मैसूर और जो दूसरे किंगडम्स हैं इनकी बजाय हमें ईस्ट इंडिया कंपनी से ज्यादा खतरा है। लेकिन इन्होंने कोशिश बहुत करी लेकिन ये सक्सेसफुल नहीं हो पाए ईस्ट इंडिया कंपनी को हराने में। अब जब पूना में ये सब ड्रामा चल रहा था, इस बीच बॉम्बे प्रेसिडेंसी जो केवल 200 किलोमीटर दूर है पूना से, वो बैठे बैठे अंग्रेज देख रहे थे बॉम्बे में कि यार ये गजब चल रहा है, पेशवा के आपस में परिवार में ही झगड़े चल रहे हैं सक्सेशन को लेकर। तो उधर बंगाल में ड्यूअल सिस्टम चालू था तो वो देख रहे थे कि भाई कैसे बंगाल में अफसर मलाई लूट रहे हैं, एकदम पैसा ही पैसा बन रहा है ड्यूअल सिस्टम के कारण बंगाल के अफसरों में। तो बॉम्बे वालों में मन में लालच आया, उन्होंने कहा ऐसा ही कुछ सिस्टम हम यहाँ भी करते हैं ना, पेशवा के जो ये स्ट्रगल्स हैं इंटरनल स्ट्रगल इसमें हम अपनी टांग घुसाते हैं और देखते हैं कुछ निकलता है तो हमारे फायदे का। तो इनको तो लगातार अपॉर्चुनिटी चाहिए थी कि कहीं ना कहीं हम अपनी टांग घुसा दें, कोई अपॉर्चुनिटी मिल जाए कि हम लड़ाई करवा दें इनके आपस में। और ये मौका इनको कब मिला, जब फाइनली रघुनाथ राव ने नारायण राव का मर्डर करवाया और वो भागकर कहाँ चला गया, ईस्ट इंडिया कंपनी के पास। तो जब ये बार भाई काउंसिल पावर में आती है रघुनाथ राव को पूना छोड़कर भागना पड़ता है, ये चले जाते हैं सूरत और सूरत में जाकर ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ साइन करते हैं ट्रीटी ऑफ सूरत 1775, वेरी इंपॉर्टेंट, स्टार मार्क कर लेना नोट्स के अंदर। तो ट्रीटी ऑफ सूरत एक ऐसी संधि है जो लड़ाई को शुरू करवाती है, लड़ाई खत्म नहीं करवाती। तो ट्रीटी ऑफ सूरत में क्या था, ये जो बॉम्बे प्रेसिडेंसी वाले अफसर थे इन्होंने रघुनाथ राव को अपनी शरण में ले लिया। रघुनाथ राव ने कहा कि मुझे पेशवा बना दो, बदले में मैं तुम्हें बसेन और सालसेट परमानेंटली दे दूंगा। ये वो इलाके हैं जो बाजीराव ने इनके हाथ से छीन लिए थे। लेकिन इसने क्या बोला, राघोबा ने क्या बोला कि मैं तुमको दे दूंगा परमानेंटली, यानी बॉम्बे तो है ही तुम्हारे पास, बॉम्बे का आइलैंड तो बहुत छोटा है लेकिन उसके आसपास तुम्हें ज्यादा एरिया चाहिए, तो बसेन और पूरा सालसेट हमेशा के लिए तुम्हारा, मुझे बदले में हेल्प करो पेशवा बनने में, ये बार भाई काउंसिल को हराने में। तो इस ट्रीटी ऑफ सूरत के कारण शुरू होता है फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर। लेकिन इस कहानी में एक ट्विस्ट है,
ट्विस्ट क्या है कि जो ब्रिटिश कैलकटा काउंसिल थी, यानी कि जो हेडक्वार्टर था बंगाल प्रेसिडेंसी में, वहां पर वॉरेन हेस्टिंग्स इस ट्रीटी से बिल्कुल भी खुश नहीं था। उसने बॉम्बे के अधिकारियों को लताड़ दिया कि ये क्या लगा रखा है तुमने, तुमसे किसने कहा कि तुम पेशवा के इंटरनल मैटर्स में हस्तक्षेप करो, मैंने परमिशन दी तुम्हें। वॉरेन हेस्टिंग्स बहुत नाराज हो गया, उसने ट्रीटी ऑफ सूरत को बोला कि ये मैं नहीं मानने वाला ट्रीटी ऑफ सूरत। उसने अपनी तरफ से कैलकटा से एक ऑफिसर को भेजा, कहां, पेशवा के पास, नाना फडणवीस के पास बेसिकली। तो गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग्स और मराठा काउंसिल के लीडर नाना फडणवीस के बीच में एक अलग संधि साइन होती है जिसका नाम है ट्रीटी ऑफ पुरंदर। वेरी इंपॉर्टेंट, ट्रीटी ऑफ सूरत किसके बीच में थी, रघुनाथ राव और बॉम्बे प्रेसिडेंसी। ट्रीटी ऑफ पुरंदर किसके बीच में है, ईस्ट इंडिया कंपनी, हेडक्वार्टर कैलकटा और नाना फडणवीस बेसिकली पेशवा के एडमिनिस्ट्रेशन के बीच में। तो ये 1776 में साइन होती है। इस संधि में बेसिकली ये तय किया गया था कि मराठास अंग्रेजों के अलावा और किसी फॉरेन यूरोपियन पावर के साथ डील नहीं करेंगे, ना ही उनको रिकग्नाइज करेंगे, ना उनसे हेल्प लेंगे, ना हेल्प देंगे। ये बेसिक वो ट्रीटी थी। दूसरी तरफ मराठास ने कहा था कि आप हमारे इंटरनल मैटर्स में हस्तक्षेप नहीं करोगे। और बॉम्बे प्रेसिडेंसी काफ़ी नाराज हो गई। वो वहाँ कैलकटा को बोलते हैं कि अरे भाई साहब, हम तो यहाँ ये ट्रीटी बढ़िया करवा रहे हैं, ड्यूअल सिस्टम लाना चाहते हैं, बड़ी बड़े हमारे सपने हैं और आप हमारे सपनों पे पानी फेर रहे हो। तो बॉम्बे प्रेसिडेंसी के ऑफिसर्स ने क्या करा, लंदन फोन घुमाया, फोन नहीं घुमाया, चिट्ठी भेजी और लंदन से इनको सपोर्ट मिला, बॉम्बे प्रेसिडेंसी को, वॉरेन हेस्टिंग्स को। उन्होंने बोला कि क्या कर रहे हो, हम तो एक्सपांशन चाहते हैं, तुमने बंगाल में कर लिया तो बॉम्बे में क्या दिक्कत है। लेकिन वॉरेन हेस्टिंग्स अपनी बात पर अड़ा रहा, उसने कहा मत घुसाओ इस अपनी टांग इस मराठास के झगड़े में, क्योंकि मराठास बहुत पावरफुल हैं अभी भी, तुमको यकीन नहीं हो रहा है, तुम हारोगे बहुत बुरी तरह से। तो वॉरेन हेस्टिंग्स काफी हद तक सही था, लेकिन अब लंदन से सपोर्ट किसको मिला, बॉम्बे वालों को। अब इस बीच क्या होता है कि एक घटना होती है 1777 में, नाना फडणवीस ने अपने ही ट्रीटी ऑफ पुरंदर के टर्म्स एंड कंडीशंस को तोड़ दिया। इन्होंने क्या करा, एक पोर्ट दे दिया कोंकण कोस्ट पे फ्रेंच को। तो इससे वॉरेन हेस्टिंग्स नाराज हो गया। अब वॉरेन हेस्टिंग्स का भी दिमाग बिल्कुल उल्टा हो गया, उसने कहा नहीं, ये फडणवीस ने तो धोखा कर दिया हमारे साथ, इनको हमने कहा था कि दूसरे यूरोपियन पावर्स के साथ डील नहीं करोगे, लेकिन ये तो डील कर रहे हैं। तो इसीलिए अब इन्होंने बॉम्बे प्रेसिडेंसी को खुली छूट दे दी कि जाओ करो अटैक पूना के ऊपर, तुम निभाओ अपने राघोबा का साथ, बनाओ उसको पेशवा, कोई दिक्कत नहीं है। तो वॉरेन हेस्टिंग्स के इस गो अहेड के बाद फाइनली 1777 में एक्चुअल लड़ाई शुरू होती है। तो ब्रिटिश कहाँ बेस थे, यहाँ बॉम्बे में, यहाँ से वो पूना की तरफ चढ़ाई करते हैं, लेकिन बीच में क्या आता है, वेस्टर्न गार्ड्स, और इन वेस्टर्न गार्ड्स में उनको अप हिल जाकर लड़ाई करनी थी। तो वो ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए बहुत घातक सिद्ध हुआ, उनको इसका एक्सपीरियंस नहीं था, और पहाड़ों में कौन एक्सपर्ट थे, मराठा आर्मी। तो शुरुआती सालों में यहाँ पर मराठा अच्छे से अपने आप को डिफेंड कर पाए, बॉम्बे से लगातार यहाँ पर हमले होते रहे, लेकिन ये लोग ज़्यादा आगे बढ़ नहीं पाए ड्यूरिंग द इनिशियल ईयर्स। और इन आर्मीज को कौन लीड कर रहा था मराठास की आर्मी को, महाड़जी सिंधिया। और महाड़जी सिंधिया ने इस लड़ाई के दौरान स्कॉर्च्ड अर्थ पॉलिसी भी फॉलो करी कई जगह। स्कॉर्च्ड अर्थ का मतलब क्या होता है कि आप जहां जाओ पीछे जमीन को पूरा जलाकर चले जाओ, स्कॉर्च कर दो, जला डालो। तो आप सारे फार्म्स में आग लगा देते हो ताकि दुश्मन को खाना ना मिले, कुओं में जहर डाल दिया ताकि वो पानी ना पी सकें। तो ये सब स्कॉर्च्ड अर्थ पॉलिसीज जैसे रशिया ने भी फॉलो करी थी ड्यूरिंग द वर्ल्ड वॉर टू, तो इस तरह की पॉलिसीज भी मराठास ने यहाँ पर कई जगह फॉलो करी। 79 में मराठास की एक बड़ी जीत होती है वाड़गांव नाम की जगह पर, पुणे के पास में एक जगह है वाड़गांव। इस बैटल ऑफ वाड़गांव के बाद में साइन होती है ट्रीटी ऑफ वाड़गांव। इस ट्रीटी ऑफ वाड़गांव में जो वहां का लोकल कमांडर था उस आर्मी का, जो बेसिकली बॉम्बे प्रेसिडेंसी से था, उसने मराठास को ये कहा कि ठीक है हम वापस जा रहे हैं हमारे बॉम्बे, पूना पर अटैक नहीं करेंगे, और जो भी हमने राघोबा से लिया था यानी कि वो सालसेट और बसैन जो हमें प्रॉमिस किए गए थे वो हम आपको लौटा रहे हैं। लेकिन अब देखो किस्मत का पहिया कैसे पलटता है कि अब वॉरेन हेस्टिंग्स इस ट्रीटी को रिजेक्ट कर देता है। वॉरेन हेस्टिंग्स बोलता है कि भाई तुम्हें किसने परमिशन दी युद्ध रोकने की, मैं बैठा हूँ यहाँ पर गवर्नर जनरल, मैं बोलूंगा जब युद्ध रुकेगा। तो वॉरेन हेस्टिंग्स अब इतना नाराज है कि वो अपनी तरफ से एक अलग आर्मी भेजता है बॉम्बे को हेल्प करने के लिए। बंगाल से आर्मी जाती है और इस आर्मी की मदद से फाइनली ये लोग कुछ शहर जीत पाते हैं जैसे अहमदाबाद, बसैन, ग्वालियर, कुछ शहर मराठास से ब्रिटिश कंपनी जीत लेती है, ईस्ट इंडिया कंपनी। तो ईस्ट इंडिया कंपनी को बाद के सालों में अराउंड 1780-81 काफ़ी जीत हासिल होती है और फाइनली ये महाड़जी सिंधिया की आर्मी को हराते हैं सिप्री नाम की जगह पर। लेकिन ये ट्रीटी ऑफ वाड़गांव का नाम इंपॉर्टेंट है, याद रख लेना। तो अभी तक इस एंग्लो मराठा वॉर में युद्ध खत्म भी नहीं हुआ है और 3 ट्रीटीज आ चुकी है। कौन कौन सी, ट्रीटी ऑफ सूरत, ट्रीटी ऑफ पुरंदर, ट्रीटी ऑफ वाड़गांव। फाइनली लड़ाई खत्म होती है 1782 में, जब ईस्ट इंडिया कंपनी और पेशवा दोनों की आर्मीज एक तरह का स्टेलमेट हो जाता है इनके बीच में। दोनों कुछ लड़ाइयाँ जीत चुके हैं, कुछ लड़ाइयाँ हार चुके हैं, दोनों मिलकर डिसाइड करते हैं कि अब लड़ाई खत्म करते हैं। तो ट्रीटी ऑफ सालबाई साइन होती है, ठीक है, सालबाई की संधि बहुत इंपॉर्टेंट है। ये वो ट्रीटी है जिससे एंग्लो मराठा वॉर खत्म होता है। तो अभी तक 4 संधियां आ चुकी है, ये चौथी वाली है, याद रखना, चौथी वाली से लड़ाई खत्म होती है। तो सालबाई की ट्रीटी एक तो इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि पेशवा अपनी पेशवाई बचाने में सक्सेसफुल रहे थे। रघुनाथ राव का क्या हुआ, तो रघुनाथ राव को पूना तो ऑब्वियसली ये लोग चाहेंगे नहीं कि फिर से आए,
तो इंग्लिश ने कहा कि ठीक है इसको हम रख लेंगे, इसको एक पेंशन दे देंगे और घर वर दे देंगे, ये आराम से सूरत में बैठा रहेगा, आपको परेशान नहीं करेगा। और रघुनाथ राव का परिवार कहाँ था? वो पूना में था। पूना में उनको शनिवारवाड़ा में नजरबंद करके रख रखा था। और रघुनाथ राव का ही एक बेटा आगे चलकर क्या बना दिया जाता है? पेशवा, पपेट पेशवा, उसकी कहानी आगे आएगी। अब वो जो बालक था माधव राव सेकंड, जो अब 7 साल का हो चुका है, इस बालक को फाइनली ईस्ट इंडिया कंपनी रिकॉग्नाइज करती है कि हाँ ये पेशवा है, रघुनाथ राव को हम पेशवा नहीं मानते, तो इस बच्चे को पेशवा बनाया जाता है। रीजेंट कौन है? नाना फडणवीस। ठीक है, तो फाइनली ईस्ट इंडिया कंपनी ये एक्सेप्ट कर लेती है। ईस्ट इंडिया कंपनी को पेशवा कहते हैं कि ठीक है बसाइन और सालसेट तुम रख लो, रघुनाथ राव ने तुम्हें प्रॉमिस किया था, रख लो, कोई दिक्कत नहीं है हमें, छोटा मोटा एरिया है, इट डजेंट मैटर टू अस। फिर ईस्ट इंडिया कंपनी इनसे मदद मांगती है टीपू सुल्तान के खिलाफ। याद करो 1782, तीसरा नहीं दूसरा एंग्लो मैसूर वॉर चल रहा है, 1782 1784 हैदर अली की डेथ हो जाती है 82 में, टीपू सुल्तान लड़ाई लड़ रहा है उधर, तो मैसूर के खिलाफ ये मदद मांगते हैं, मराठास एग्री कर देते हैं। वैसे भी मराठास और मैसूर के बीच में कंटिन्यूअसली लड़ाई चलती रहती थी, ये लगातार हर 2-3 साल में हमले करते रहते थे वहां पे, लूटपाट मचाकर आते रहते थे, तो इनको कोई दिक्कत नहीं थी कि ठीक है हम मैसूर के खिलाफ अपनी आर्मी भेज देंगे। अब इस ट्रीटी ऑफ सालबाई की इंपॉर्टेंस ये है कि इसने एंग्लो मराठा शांति बनाए रखी 20 सालों तक, दोनों के बीच में 1802 तक कोई भी लड़ाई नहीं होती है, तो आने वाले 20 साल बहुत अच्छे शांति वाले थे मराठास के लिए। नाना फडणवीस ने अच्छे से एडमिनिस्ट्रेशन चलाया, पावर आवर सब अपने हाथ में ले ली, ये तो बेचारा बच्चा था माधव राव सेकंड, इसको तो कुछ करने को ही नहीं मिलता था। और ये अल्टीमेटली नाना फडणवीस से इतना दुखी हो गया कि नाना फडणवीस के कारण ही ऐसा कहा जाता है कि इसने शनिवारवाड़ा से छलांग लगाकर आत्महत्या कर ली। और इस ट्रीटी ऑफ सालबाई का अल्टीमेट नुकसान किसको हुआ? मैसूर को, क्योंकि टीपू सुल्तान के खिलाफ अब एक बहुत अच्छा पार्टनर मिल गया था, किसको? ब्रिटिश को। और अल्टीमेटली टीपू सुल्तान थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर में हार जाएंगे। अब सेकंड एंग्लो मराठा वॉर पर जाने से पहले एक बार आपको कॉन्फेडरेसी का रिविजन करा देता हूं। देखो नाना साहेब की जब डेथ होती है ना 1761 में पानीपत की लड़ाई के कुछ महीने बाद, तो उसके बाद में कोई भी पेशवा इतना पावरफुल नहीं हो पाया, सब बच्चे थे, किसी के हाथ में इतना पावरफुल कंट्रोल नहीं था, दूसरा ये आपस में झगड़े चल रहे थे। इसके कारण फायदा किनको होता है? इन सारे लोगों को, गायकवाड्स ऑफ बड़ौदा, भोंसलेज ऑफ नागपुर, होलकर्स ऑफ इंदौर, सिंधियाज ऑफ ग्वालियर, ये अपने आप में बड़े बड़े पावरफुल हाउसेज बन जाते हैं। पहले फिर भी ये पेशवा के अधीन थे क्योंकि पेशवा ज्यादा शक्तिशाली था, लेकिन अब ये ऑलमोस्ट इंडिपेंडेंटली काम करते हैं, कई बार तो ये मना भी कर देते हैं, अगर पेशवा इनको बुलाता है तो ये जाते भी नहीं है। और अल्टीमेटली सेकंड एंग्लो मराठा वॉर के अंदर यही आपस में लड़ेंगे, इनका ही एक सिविल वॉर शुरू हो जाएगा जिसके कारण ये पूरी लड़ाई कॉम्प्लिकेट हो जाएगी। तो मैप में भी एक बार समझ लो, पेशवास बैठे हैं पूना में, लेकिन ये जो पूरा उड़ीसा से लेकर सेंट्रल महाराष्ट्र का एरिया है ये किसके कंट्रोल में है? भोसलेज ऑफ नागपुर, इनको कई बार बिरार भी कहा जाता है, नागपुर की जगह आप बिरार शब्द भी देखेंगे, बिरार के राजा। ठीक है, तो ये सेंट्रल इंडिया राइट अप टिल द कोस्ट ऑफ उड़ीसा, ये पूरा एरिया नागपुर के कंट्रोल में भोसलेज के। इधर नॉर्थ इंडिया पूरा ग्वालियर सिंधियास के कंट्रोल में, महाड़जी सिंधिया। फिर यहाँ पर इंदौर जो है ये किसके कंट्रोल में? होलकर्स, अहिल्याबाई होलकर, अभी आएंगे सबके नाम मैं आपको बताऊंगा इंपॉर्टेंट जो भी कैरेक्टर्स हैं। और फाइनली बड़ौदा गुजरात, कौन है यहाँ पर? गायकवाड़। तो ये चार बड़े बड़े हाउसेज हैं, एक दो छोटे मोटे और भी हैं लेकिन वो हमारे लिए रेलेवेंट नहीं है, जैसे कि देवास नाम की एक जगह है इंदौर के पास में, वहाँ पर दो डायनेस्टीज थी, पवार सीनियर पवार जूनियर, दैट इज नॉट रेलेवेंट टू अस। हमारे लिए केवल ये चार इंपॉर्टेंट हैं, पेशवास आर इन पूना। सन 1800 में नाना फडणवीस की मृत्यु के बाद ये वाले चारों और ज़्यादा पावरफुल हो जाते हैं, इनको लगता है कि अब तो कौन ही पूना में बैठा है, कौन हमें गाइड करेगा, कौन हमें आदेश देगा, अब हम आदेश वादेश नहीं मानेंगे, जो हमें ठीक लगेगा वो हम करेंगे, जिससे हमें संधि करनी है, जहां हमें अटैक करना है वी विल डू इट। तो अब कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स हैं जिनके बारे में थोड़ा आप जान लो सेकेंड एंग्लो मराठा वॉर से पहले। तो दौलत राव सिंधिया जो हैं ये महाड़जी सिंधिया के बेटे थे, और महाड़जी सिंधिया के बारे में मैं पहले ही काफ़ी चर्चा कर चुका हूँ, उन्होंने पूरे नॉर्थ इंडिया में फिर से मराठा पावर को एस्टैब्लिश किया था पानीपत के डिबैकल के बाद। अब महाड़जी सिंधिया तो थे बहुत अच्छे वॉरियर, लेकिन दौलत राव सिंधिया इतने अच्छे वॉरियर नहीं थे, इनके पास वो विजन नहीं था वॉरफेयर में, ज़रूरी नहीं है कि बेटा भी उतना ही अच्छा लड़ाका हो जितना पिताजी थे। इंदौर में एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टर हैं अहिल्याबाई होलकर, इनका नाम अवश्य आपने सुना होगा। अहिल्याबाई एक विडो थी, इनके पति की मृत्यु 1754 में हो गई थी, इनके फादर इन लॉ थे मल्हार राव होलकर, जिन्होंने काइंड ऑफ स्थापित किया था इंदौर को, होलकर डायनेस्टी को। तो मल्हार राव होलकर की डेथ होती है 1766 में, उसके बाद अहिल्याबाई ने अगले 20 साल तक पूरा एडमिनिस्ट्रेशन संभाला। एक विडो होने के बावजूद ये ना तो पर्दे में रहती थी और ना ही दूसरे चीज़ों को फॉलो करती थी, जैसे कि एक विडो से एक्सपेक्ट किया जाता था उस समय कि आप तो बस एक कमरे में बंद होकर रहोगे, ऐसा नहीं था। अहिल्याबाई होलकर ने आगे चलकर एडमिनिस्ट्रेशन की कमान अपने हाथ में संभाली, शी वॉज एन एक्सेलेंट एडमिनिस्ट्रेटर, और इन्होंने इंदौर शहर को बहुत डेवलप कराया। इसके अलावा आप मालवा रीजन में कई मंदिर देखेंगे, जैसे माहेश्वर में जो इंपॉर्टेंट मंदिर हैं वो सब अहिल्याबाई होलकर ने बनवाए। इन्होंने गंगा नदी के किनारे कई घाट्स को रिपेयर करवाया। इन्होंने कई इंपॉर्टेंट मंदिरों में आप जाएंगे आप देखेंगे अहिल्याबाई होलकर का नाम आपको लिखा हुआ मिलेगा।
अहिल्याबाई बस एक केवल लड़ाई नहीं लड़ती थी जंग के मैदान में जाकर, उसके लिए उन्होंने तुकोजी होलकर को अपना मिलिट्री चीफ अपॉइंट कर रखा था। तो तुकोजी होलकर जब तक जिंदा थे 1797 तक, तब तक सब कुछ ठीक ठाक चलता रहा। महाड़जी सिंधिया के साथ इनकी थोड़ी सी फ्रेनिमी टाइप रिलेशनशिप थी, उनसे कॉम्पीट भी करते थे, उनके साथ भी रहते थे। लेकिन 1797 में तुकोजी होलकर की मृत्यु हो जाती है। अब आप देखोगे इसी समय में कई इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स की डेथ हो रही है, ठीक है। अहिल्याबाई होलकर की डेथ होती है 1795 में, तुकोजी की डेथ हो जाती है 97 में, नाना फडणवीस की 1800 में डेथ हो जाती है। और अब जो अगले जनरेशन के कैरेक्टर्स हैं इनमें इतना दम नहीं था। तुकोजी होलकर का बेटा था यशवंतराव होलकर। अब यशवंतराव होलकर लड़ाई बहुत अच्छी लड़ लेते थे, लेकिन इनमें डिप्लोमेसी की समझ कम थी, थोड़े गुस्सैल स्वभाव के बताए जाते हैं। और ये पेशवा से नाराज हो गए थे, क्योंकि पेशवा के कहने पर इनके एक भाई को मार दिया गया था, विठोजी होलकर। वो एक अलग कहानी है, उसमें हम अभी डिटेल में नहीं जाएंगे। तो यशवंतराव होलकर वॉज वेरी एंग्री विद पेशवा, ठीक है। और इन्हीं के कारण बेसिकली वो इंटरनल सिविल वॉर शुरू होता है मराठास का। पेशवा कौन है इस समय? बाजीराव द सेकंड। ये कौन है? राघोजी के बेटे हैं। तो रघुनाथ राव जो है वो अपने टाइम पे तो पेशवा बन नहीं पाए, लेकिन इनके बेटे की किस्मत थी तो बेटा बन गया। कौन? पेशवा। और बना गया था पेशवा, उसको बनाया गया था क्योंकि जब माधव राव ने वो छलांग लगा दी थी, सुसाइड कर लिया था, उसके बाद नाना फडणवीस ने देखा कि किसको बनाए, किसी ना किसी राज परिवार के सदस्य को बनाना पड़ेगा। तो इन्होंने राघुनाथ राव के बच्चों को बुलाया, देखा इनमें से कौन सबसे ज़्यादा समझदार है। उनको लगा ये बाजीराव थोड़ा ठीक ठाक है, इसको बना देते हैं। तो ही वॉज द लास्ट पेशवा ऑफ मराठा एम्पायर। लास्ट इसलिए मैंने स्टार लगाया क्योंकि इनका बेटा 1857 की क्रांति में एक कैरेक्टर है, वो इज कॉल्ड नाना साहेब। लेकिन देखो ये आखिरी पेशवा ही मान लो, क्योंकि एक्चुअली पावर तो लास्ट इसी के पास थी, है ना। तो 1795 से 1818 तक पेशवा बाजीराव द सेकंड वॉज इन पावर। इस समय ब्रिटिश गवर्नर जनरल कौन है? रिचर्ड वेलेस्ली। अच्छा, मैंने कल के लेक्चर में ये बोल दिया था कि रिचर्ड वेलेस्ली यानी बड़े भैया टाइगर ऑफ बंगाल, ये तो थे गवर्नर जनरल, और छोटे भैया आर्थर वेलेस्ली ये थे कमांडर इन चीफ ऑफ आर्मी। थोड़ा सा मैंने यहाँ पर एक फैक्चुअल गलती कर दी थी। आर्थर वेलेस्ली वॉज नॉट द एक्चुअल कमांडर इन चीफ, ठीक है, कमांडर इन चीफ कोई और था, लेकिन फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पजेस आर्मी की पूरी कमान आर्थर वेलेस्ली के हाथ में थी, ठीक है। और आर्थर वेलेस्ली अभी इस वक्त अगर मैं सन 1800 की बात करूँ तो कहाँ पर है? याद करो श्रीरंगपट्टनम, किसको हराया गया था? टीपू सुल्तान। तो फोर्थ एंग्लो मैसूर वॉर खत्म होने के बाद, टीपू सुल्तान को मारने के बाद, आर्थर वेलेस्ली वहीं बैठा था, मैसूर में ही बैठा था, ठीक है। तो फाइनली रिचर्ड वेलेस्ली को अब लगा कि अब मराठास को तोड़ने का वक्त आ गया है। तो रिचर्ड वेलेस्ली ने मराठास को ये बोला कि सब के सब सब्सिडियरी अलायंस साइन करो। सब्सिडियरी अलायंस का मतलब था सीधा सीधा गुलामी। तो सब ने मना कर दिया, मराठा चीफ्स ने भी मना कर दिया, पेशवा ने भी मना कर दिया। तो बड़े भैया ने अपने छोटे भैया को बोला कि मैसूर से निकलो और चढ़ाई कर दो मराठा एम्पायर पर, ठीक है। तो सेकेंड एंग्लो मराठा वॉर की शुरुआत होती है 1803 में, और यह 1806 तक चलता है। ईयर इंपॉर्टेंट है, याद रखना। इस युद्ध की शुरुआत क्या हुई? केसस बेल्लाई क्या है? देखो, रिचर्ड वेलेस्ली कलकत्ता में बैठा बैठा देख रहा था कि देखो पेशवा तो कमजोर है, फडणवीस जा चुके हैं, बड़े बड़े कैरेक्टर्स महाड़जी शिंदे टाइप के जो पावरफुल मराठास हैं इनकी भी डेथ हो चुकी है। अब ये जो मराठा चीफ्स हैं ना, इनमें इतना दम नहीं है और इनको मैं भड़का के इनको हरा सकता हूँ। तो मराठा सारे चीफ्स को एक फरमान भेजा गया एक दिन वेलेस्ली के द्वारा। रैंडम बैठे हैं दरबार में, एक दिन चिट्ठी आती है सब्सिडियरी अलायंस साइन कर लो। सब्सिडियरी अलायंस का मतलब था सीधे सीधे गुलामी। सब ने मना कर दिया, पेशवा ने भी मना कर दिया, और चारों को अलग से भेजा गया। ये फैक्ट इंपॉर्टेंट है, सिर्फ पेशवा को नहीं भेजा गया था ये लेटर, ये मराठा चीफ्स को भेजा गया था ताकि उनको इंपॉर्टेंस लगे कि भाई पेशवा के अधीन नहीं हो तुम, अब तुम, हम इंडिपेंडेंटली हम तुमसे बातचीत कर रहे हैं कि तुम साइन करो, ठीक है। ये वेलेस्ली की टेक्निक थी। इसी बैकग्राउंड में वो वाली घटना हुई थी जहां पर यशवंतराव होलकर के एक भाई को पेशवा बाजीराव के कहने पर मार दिया गया था। तो यशवंतराव होलकर बहुत नाराज थे और उन्होंने पूना पर चढ़ाई कर दी, यानी कि एक मराठा चीफटेन कॉन्फेडरेसी का जो लीडर है वो पहली बार कोई पेशवा के ऊपर चढ़ाई कर रहा है। तो यशवंतराव होलकर अपनी आर्मी लेकर पहुंच जाते हैं पेशवा के पास। वो कहते हैं कि ये बाजीराव को मैं हटा कर रहूंगा। और पेशवा ने किससे मदद मांगी? सिंधिया से। तो पेशवा और सिंधिया की आर्मीज मिलकर किसका सामना करती हैं? होलकर्स की आर्मी का। बैटल ऑफ पूना होती है और यहाँ पर होलकर की आर्मी जीत जाती है। बाजीराव द सेकंड को पूना छोड़कर भागना पड़ता है और वो अपने अंकल रघुनाथ राव की तरह किसके पास जाते हैं? इंग्लिश के पास। कहाँ जाते हैं? बॉम्बे। बॉम्बे भाग के बोलते हैं कि भाई साहब मुझे मदद करो मेरी, और ये जो यशवंतराव होलकर है इसको भगाना है मुझे पूना से। अब बॉम्बे में बैठे अंग्रेज अफसर मंद मंद मुस्कराए, पहली बार ऊंट पहाड़ के नीचे आया है एक सिटिंग पेशवा, पूना से भागकर अपनी पेशवाई की गद्दी छोड़कर हमारे पास आया है मदद मांगने। कहाँ पे? बॉम्बे में। कितनी बड़ी बात है, जहाँ पर ये 20 साल पहले तक मराठा एम्पायर से थरथराते थे, वे हेस्टिंग्स से इनको मना कर दिया था कि लड़ाई मत लड़ लेना मराठास के खिलाफ, मारे जाओगे, बॉम्बे से भगा दिए जाओगे। अब ये पेशवा खुद हमारे पास आ गया है 20 साल के अंदर अंदर, मतलब देख रहे हो सिविल वॉर कितना खतरनाक चीज़ हो सकती है। तो इन्होंने बिठाया पहले बाजीराव सेकंड को कि आओ बैठो चाय वाय पियो पहले शांति से, फिर देखते हैं कि कैसे तुम्हारी मदद करेंगे। तो अब अंग्रेज़ों ने क्या करा कि दो चीज़ें करी।
पहले तो इन्होंने गायकवाड्स के साथ एक संधि कर ली, ट्रीटी ऑफ कैम्बे। गायकवाड्स यानी पांच में से एक गए, इनके साथ पहले ही सब्सिडियरी अलायंस साइन कर दी, बोले देखो अब ये लड़ाई वड़ाई होने वाली है, होलकर्स पे हम अटैक करेंगे, तुम्हारे पेशवा की मदद करेंगे, ऐसा नहीं कि पीछे से तुम होलकर की मदद करने के लिए आ जाओ। तो 5 out of 1 इज गॉन, सब्सिडियरी अलायंस साइन हो चुकी है। फिर बाजीराव सेकंड के साथ भी इन्होंने सब्सिडियरी अलायंस साइन कर ली कि देखो तुम्हारी मदद हम फ्री में तो करेंगे नहीं, तुम्हें कुछ ना कुछ तो हमें देना पड़ेगा। तो क्या दिया गया? ट्रीटी ऑफ वसई, ट्रीटी ऑफ वसई, वसई आज मुंबई का सबब है। ट्रीटी ऑफ वसई जो है ये 1802 में लड़ाई शुरू करवाने वाली ट्रीटी थी, बिल्कुल ट्रीटी ऑफ सूरत की तरह। तो आप देख रहे हो कहानी कैसे रिपीट हो रही है, हिस्ट्री इज रिपीटिंग इटसेल्फ। बिल्कुल इनके काका रघुनाथ राव की तरह ट्रीटी ऑफ सूरत साइन करी थी, वैसे ही ये ट्रीटी ऑफ वसई साइन कर रहे हैं और अंग्रेजों के हाथ में क्या क्या दे रहे हैं। देखो एक तो ये कहा कि जैसे ही हम तुम्हारी मदद करेंगे पूना तुम्हें वापस लौटाएंगे, उसके बाद से ईस्ट इंडिया कंपनी की 6000 सैनिक हमेशा पूना में तैनात रहेंगे और हमारी आर्टिलरी, हमारी तोपें तैनात रहेगी पूना में, ताकि कल को तुम कोई बदमाशी करो तुम पे ही दाग दें। 26 लाख रुपए पेशवा हर साल देगा ईस्ट इंडिया कंपनी को फॉर द मेंटेनेंस ऑफ दीज ट्रूप्स। उसके अलावा सूरत शहर और वडोदरा शहर पर आज के बाद पेशवा कभी अपना क्लेम नहीं करेंगे, सूरत हमारा है हमेशा के लिए और वडोदरा गायकवाड़ का है, तुम ऐसा नहीं कि गायकवाड़ से उनकी गद्दी छीन लो। और आप किसी भी अन्य यूरोपियन पावर के साथ बातचीत नहीं करेंगे, आपके सारे फॉरेन अफेयर्स हमारे अंडर में है। तो नाना फडणवीस की तरह नहीं कि फ्रेंच को एक पोर्ट दे दिया कोंकण कोस्ट पे, ये सब नहीं चलेगा। तो इसके लिए बाजीराव सेकंड मान गए क्योंकि इनको अपनी पेशवाई चाहिए थी, ठीक है। तो इसके बाद ईस्ट इंडिया कंपनी हमला करती है पूना पर और ऐसे ही शुरू होता है 1803 में सेकेंड एंग्लो मराठा वॉर। बाय द वे ये 1802 के 31 दिसंबर को ये ट्रीटी साइन हुई थी, तो इसीलिए लड़ाई की शुरुआत 1803 ही मानी जाती है, जबकि ट्रीटी आखिरी दिन 31 दिसंबर को साइन हुई थी। ट्रीटी ऑफ वसई को डेथ नेल ऑफ द मराठा कॉन्फेडरेसी कहा जाता है कि इस ट्रीटी से, इस संधि से मराठा एम्पायर खत्म होने की शुरुआत यहाँ से हो जाती है। ट्रीटी ऑफ वसई साइन होने की खबर चारों मराठा सरदार के पास पहुंच जाती है, इनमें से लेकिन गायकवाड़ तो पहले ही अंग्रेजों के साथ एक अलग संधि साइन कर चुके हैं ट्रीटी ऑफ कैम्बे, तो ये तो चुपचाप बैठ जाते हैं। बाकी के तीनों बहुत नाराज होते हैं, ये तीनों बोलते हैं कि भाई पेशवा कौन होता है हमें गुलामी के अंदर धकेलने वाले, पेशवा के पास तो कुछ पावर ही नहीं है, जो आर्मीज हैं वो तो हमारी है, पेशवा के पास तो केवल पूना शहर है और उसके आसपास का थोड़ा बहुत इलाका है। तो अब देख रहे हो पांच में से दो ऑलरेडी अंग्रेजों के साथ जा चुके हैं, बाकी बचे ये तीनों। इसमें भी होलकर और सिंधिया ने तो अभी अभी लड़ाई लड़ी है, क्योंकि होलकर ने जाकर पूना पर कैप्चर किया था और उस लड़ाई में पेशवा का साथ किसने दिया था? सिंधिया ने। लेकिन अब ये दोनों साथ हो जाते हैं और भोंसले भी इनके साथ आ जाते हैं, तो ये तीनों अब इकट्ठा हैं और इनके खिलाफ कौन है? ईस्ट इंडिया कंपनी प्लस पेशवा, जिसके पास थोड़ी बहुत आर्मी है, और बड़ौदा, ठीक है। तो इस तरह से शुरू होता है सेकेंड एंग्लो मराठा वॉर। तो तीनों मराठा चीफ इस ट्रीटी ऑफ वसई से खुश नहीं थे। गवर्नर जनरल रिचर्ड वेलेस्ली ने, बंगाल टाइगर ने अपने छोटे भाई को फ़ोन घुमाया मैसूर के, बेटा आ जाओ सिंधिया को हराना है, होलकर को हराना है और किसको हराना है तीसरा, भोंसले ऑफ नागपुर, इन तीनों के खिलाफ लड़ाई शुरू कर दो। तो मैसूर से अपनी आर्मी लेकर आर्थर वेलेस्ली पहुंचता है महाराष्ट्र वाले एरिया में और यहां पर एक इंपॉर्टेंट बैटल होती है, नाम याद कर लेना, ईयर भी इंपॉर्टेंट है, 1803 बैटल ऑफ असाई। तो बैटल ऑफ असाई जो है एक छोटा सा गाँव है असाई का, तो ये सिंधिया और भोंसले की कंबाइंड आर्मी को ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी हरा देती है। तो आर्थर वेलेस्ली की ये लेजेंडरी विक्ट्री मानी जाती है क्योंकि ये मराठास का घर है, बैटल ऑफ असाई जालना डिस्ट्रिक्ट में हुई थी, अहमदनगर जालना वाला एरिया है, ये तो मराठास का होमलैंड है, यहाँ पर ईस्ट इंडिया कंपनी आकर इनको हरा कर चली गई, यानी कि ये अपने ही घर में हार गए और वो भी दो दो मराठा सरदार की आर्मी थी, एक की भी नहीं थी, सिंधिया और भोसले दोनों की आर्मीज थी। तो आर्थर वेलेस्ली इनको यहां हराता है और आर्थर वेलेस्ली जो आगे चलकर ब्रिटेन का प्राइम मिनिस्टर बनेगा, उसने अपनी बायोग्राफी में ये बात लिखी है कि मैंने नेपोलियन को हराया वाटरलू में, लेकिन मैं अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी विक्ट्री इसको मानता हूँ, बैटल ऑफ असाई मेरी लाइफ की फाइनेस्ट विक्ट्री है, इट इज़ बेटर देन इवन बैटल ऑफ वाटरलू। खैर सिंधिया भोसले दोनों यहाँ पर हार जाते हैं और दोनों साइन करते हैं अलग अलग संधि। तो लड़ाई हुई थी असाई गांव में, उससे कुछ दूरी पर जाकर दूसरी ट्रीटी साइन होती है। तो आर्थर वेलेस्ली, ये नाम मैंने पिछले लेक्चर में बताया था, अगेन मैं बता रहा हूँ, ही वॉज नॉट द आर्मी कमांडर बट ही वॉज द चीफ पॉलिटिकल एंड मिलिट्री ऑफिसर इन द डेक्कन एंड सदर्न मराठा कंट्री, ये इसका ऑफिशियल पद था। तो आप मान सकते हो फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पजेज यही नेता था, ठीक है। तो इन्होंने टीपू सुल्तान की आर्मी को भी हराया था और मराठास को भी हराया था, तो अचानक से ये बंदा लेजेंड हो जाता है, लिविंग लेजेंड ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए। तो अब दो संधि हैं, दोनों का नाम इंपॉर्टेंट है। सिंधिया के साथ ईस्ट इंडिया कंपनी साइन करती है ट्रीटी ऑफ सुरजी अंजन गांव, जहां पर ये साइन हुई थी उसी जगह का नाम है सुरजी अंजन गांव। सिंधिया इनको क्या देते हैं? रोहतक गुड़गांव वाला रीजन, यानी दिल्ली के आसपास का एरिया, और आगरा वाला एरिया। तो अब ये नॉर्दर्न एरियाज इनके हाथ से चले जाते हैं। भोंसले ट्रीटी ऑफ देवगांव साइन करते हैं, भोसले इनको क्या देते हैं? ओडिशा का कोस्टल एरिया, कटक एंड एंटायर टेरिटरी वेस्ट ऑफ रिवर वर्धा। तो इस मैप में अगर आप देखो
तो नागपुर के भोंसले के पास ये सब टेरिटरी थी, ये इनके हाथ से चली गई। पूरा कोस्टल उड़ीसा अब इनका हो चुका है। तो ये अब नॉर्दर्न सरकार बंगाल के बीच में जो छोटा सा इलाका इनके पास नहीं था, ये इन्होंने कनेक्ट करवा दिया। पूरा कोस्ट अब इनके पास है इंडिया का, ईस्टर्न कोस्ट। और इधर यहाँ नॉर्थ में ये वाली जो टेरिटरीज हैं जो आपको शेडेड पिंक में नजर आ रही होंगी, ये सब भी मराठास के हाथ से अब इनका चौथ सरदेशमुखी सब कुछ जा चुका है। अब कौन बचा? तीसरा होलकर। होलकर अकेले लड़ाई लड़ रहे थे। अब होलकर जो है ना, ये लड़ाई लड़ते लड़ते कहाँ पहुँच गए थे? ये अपने इंदौर से काफ़ी दूर जाकर उत्तर भारत में, अलीगढ़ वाले एरिया में, यूपी पंजाब में सब लोकल राजाओं को इकट्ठा करने की कोशिश कर रहे थे कि चलो सब मिलकर हमला कर देते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी पे। अब यहाँ पर यूपी से, अवध से किसको भेजा गया? अवध की आर्मी के साथ जनरल लेक को। ये नाम भी याद रख लेना, जनरल लेक का कैंपेन काफ़ी लेजेंडरी है। तो लेक अपनी आर्मी लेकर अवध से निकलता है, आगरा, दिल्ली, भरतपुर सब जगह मराठास को हराता हुआ ये एक नॉर्दर्न कैंपेन चलाते हैं। तो यहाँ डेक्कन में कौन था? वेलेस्ली। नॉर्थ में कौन था? जनरल लेक। तो होलकर्स भी फाइनली 2 साल की लड़ाई के बाद हार जाते हैं। ट्रीटी ऑफ राजपुर घाट साइन होती है और इसके तहत होलकर टोंक, रामपुरा और बूंदी, ये सब राजस्थान के एरियाज हैं, इनको सौंप देते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी को। और बाजीराव द सेकंड को फाइनली पेशवा फिर से बना दिया जाता है। तो अब समझ रहे हो कि इस सेकंड एंग्लो मराठा वॉर से क्या हुआ? केवल पेशवा अपनी गद्दी बचाने के चक्कर में अपने सारे मराठा सरदारों को हरवा दिया इसने, बाजीराव द सेकंड ने, और मराठा एम्पायर छिन्न भिन्न हो जाता है, लेकिन पेशवा को उसकी गद्दी मिल जाती है। तो अब 4 एंग्लो मैसूर और 2 एंग्लो मराठा वॉर्स के बाद अंग्रेजों ने कितना टेरिटरी अक्वायर किया, आप देखो इस मैप में जो आपको ये डार्क ब्राउन कलर के एरियाज नजर आ रहे हैं ना, ये सारे इन्होंने इन युद्ध में जीते हैं। तो आप देखो यहाँ नॉर्थ में इनको ये आगरा दिल्ली वाला रीजन मिल गया होलकर से, ठीक है। इधर इन्होंने ये कोस्टल टेरिटरीज ले ली, कटक वाली, कटक का जो इलाका है ये इनके पास आ गया भोंसले से। यहाँ पर दक्षिण में इन्होंने मैसूर वॉर्स के बाद ये सारा एरिया जीत लिया था, और यहाँ पर सूरत वडोदरा वाला जो एरिया है ये भी इनके पास आ गया। तो बेसिकली मराठा एम्पायर अब इस पर्पल एरिया में सिमट कर रह गया है, और इसमें भी सभी लोग सब्सिडियरी अलायंस साइन कर चुके हैं। अब थर्ड एंग्लो मराठा वॉर 1817-1819 के बीच में होता है। बहुत सिंपल है, इसमें ज़्यादा कुछ याद रखने लायक है नहीं। ट्रीटी ऑफ वसई के अनुसार एक ब्रिटिश एजेंट पूना में बैठा करता था, उस समय ब्रिटिश एजेंट था एल्फिंस्टन, मॉन्ट स्टुअर्ट एल्फिंस्टन। इसका नाम शायद बॉम्बे में रहने, मुंबई में रहने वाले लोगों ने सुना होगा, कई सारी सड़कों का नाम है एल्फिंस्टन के पीछे, एल्फिंस्टन आइलैंड भी है। तो एल्फिंस्टन जो है ये एजेंट था उस वक्त पूना में, और इसकी पेशवा बाजीराव सेकंड से बनती नहीं थी, क्योंकि ये पेशवा बाजीराव पे बहुत टाइट कंट्रोल रखता था। मतलब बाजीराव पूना के बाहर भी नहीं निकल सकता था इससे पूछे बिना, ये हालत थी, इतना टाइट कंट्रोल था। अब होता क्या है कि ईस्ट इंडिया कंपनी 1817 में आर्मी को इकट्ठा करने लगी, क्योंकि वो पिंडारीज के खिलाफ एक कैंपेन चलाना चाहते थे। पिंडारीज जो है ये एक तरह के डकैत होते थे, इधर से उधर जाते रहते थे, अटैक करते रहते थे। कई बार पिंडारीज को मराठास ने अपनी आर्मी में भी रिक्रूट किया था, तो पिंडारी और मराठास के अच्छे रिलेशन थे। लेकिन अब क्या हो गया था कि पिंडारीज जो है ट्रेड के लिए अच्छे नहीं थे, ये बहुत बार व्यापार को नुकसान पहुंचाते थे, इसलिए ईस्ट इंडिया कंपनी का मकसद था कि पिंडारीज के खिलाफ एक ऑल आउट कैंपेन चलाकर इनको समाप्त कर दो। लेकिन जब ये आर्मी इकट्ठा होनी शुरू हुई तो बाजीराव को क्या लगा कि ये है ना पिंडारी नहीं बल्कि ये मराठास को खत्म करना चाहते हैं, ये मैंने सब्सिडियरी अलायंस साइन भी कर दी, उसके बावजूद मेरे को ये हटा देंगे, मेरे को मार देंगे। तो पेशवा को लगा कि ये सारा कैंपेन इनके खिलाफ चलने वाला है, तो पेशवा ने अपनी तरफ से लड़ाई की घोषणा कर दी। पेशवा ने चुपचाप अपने सारे मराठा सरदारों को फरमान भिजवाया, एक संदेश भिजवाया कि देखो अब ये आर या पार की लड़ाई है, हमें एक साथ इकट्ठा होना चाहिए, 15 साल पहले जो हुआ वो भूल जाओ, मैंने तुम लोगों के खिलाफ आर्मीज लड़ाई, ईस्ट इंडिया कंपनी को सपोर्ट किया, लेकिन इस बार तो हमारा डू और डाई है, तो सब ज्वाइन कर लो। तो भोंसले और होलकर जो हैं ये ज्वाइन कर लेते हैं। गायकवाड़ ने मना कर दिया, गायकवाड़ ने कहा नहीं हम तो नहीं लड़ेंगे, और सिंधिया ने भी इस बार मना कर दिया, सिंधिया इस लड़ाई में शामिल नहीं होते हैं। तो भोंसले और होलकर जो हैं ये पेशवा के साथ मिलते हैं, ट्रिपल अलायंस बनती है और ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ युद्ध हो जाता है। लेकिन इस लड़ाई में बहुत ही जल्द ही सारे मराठास की हार हो जाती है, और पेशवा बाजीराव सेकंड को अपनी पेशवाई से हटा दिया जाता है और इनको भेज दिया जाता है कानपुर के निकट एक जगह है बिठूर में। अब ये बिठूर जो है 1857 की क्रांति का एक केंद्र बनेगा, और वो जो नाना साहब थे ना वो इन्हीं बाजीराव सेकंड के बेटे हैं। तो पेशवा को एक पेंशन दे दी और बोला कि अब तुम पूना नहीं रहोगे, क्योंकि यहां तुम फिर से कुछ बदमाशी करने की कोशिश कर सकते हो जैसा अभी करी, तो इस बार तुम जाओ कानपुर, वहां पे तुम्हारा कोई इन्फ्लुएंस नहीं है, वहां कोई मराठा सरदार नहीं है जिनको तुम चिट्ठियां भेज सको। अब इस थर्ड एंग्लो मराठा वॉर में एक तो हुई थी ट्रीटी ऑफ पूना, ये पेशवा के साथ साइन हुई, इसी ट्रीटी ऑफ पूना के तहत पेशवाशिप खत्म। होलकर्स के साथ साइन हुई ट्रीटी ऑफ मंदसौर, और सिंधिया जो कि इनिशियली लड़ाई में शामिल नहीं थे लेकिन बाद में ज़बरदस्ती आ गए थे, उनके साथ साइन होती है ट्रीटी ऑफ ग्वालियर। तो आपको बस ये ट्रीटी ऑफ पूना याद रखनी है 1817 में। अगर क्वेश्चन डायरेक्टली पूछा जाता है कि विच ट्रीटी लेड टू द एंड ऑफ पेशवाशिप, तो दैट इज द ट्रीटी ऑफ पुणे इन 1817। तो मराठा कॉन्फेडरेसी हमेशा के लिए समाप्त, पेशवाशिप हमेशा के लिए खत्म, और मराठा आखिरी बड़े पावर हाउस थे जो ईस्ट इंडिया कंपनी को चैलेंज कर सकते थे सेंट्रल इंडिया में।
युद्ध के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी ने सतारा का जो किंगडम है वो शिवाजी के ही एक डिसेंडेंट प्रताप सिंह उनका नाम था उनको दे दिया। बिल्कुल सेम वैसा ही जैसा मैसूर में किया था, एक बच्चे को ओडेयर डायनेस्टी के बच्चे को बिठा दिया था, कुछ उसी प्रकार का यहाँ पर भी इन्होंने किया कि ये तो शिवाजी के असली वंशज हैं, पेशवा तो खाली सत्ता हड़प कर बैठे थे, इस तरह की बातें ईस्ट इंडिया कंपनी ने करी। देखो इनका मकसद ये था कि एक्चुअल रूल जो है ना जिसके नाम में चल रहा है वो चलता रहना चाहिए। तो जैसे पहले शिवाजी के वंशज मतलब अभी भी उसका एक साइकोलॉजिकल इंपैक्ट है, तो सतारा का जो किंगडम है वो शिवाजी के वंशजों को दे दिया गया और फाइनली यहाँ पर सब कुछ समाप्त। पिंडारी को भी उन्होंने समाप्त कर दिया लगे हाथों। इस लड़ाई को थर्ड एंग्लो मैसूर एंग्लो मराठा वॉर को कई बार पिंडारी वॉर भी कहा जाता है, तो ध्यान रखना एग्जाम में अगर इस नाम से पूछा जाए तो कन्फ्यूज मत होना। अब मराठास की डिफीट के कारण क्या क्या थे? देखो मराठा स्टेट जो है वो अपने आप को 100 सालों में एक एक्सट्रॉशनरी स्टेट के रूप में ही स्थापित कर पाया था। यानी मराठास का काम क्या था, आर्मी लेकर जाओ, चौथ वसूलो, सरदेशमुखी वसूलो और वापस आ जाओ। उन्होंने एक बहुत अच्छा एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप तैयार नहीं किया था और नाना फडणवीस के बाद लीडरशिप नहीं थी, इन फाइटिंग शुरू हो गई, सिविल वॉर शुरू हो गई। मराठास मिलिटरीली वीक हो चुके थे, शिवाजी के समय की जो इनकी पावर थी वो अब नहीं बची थी क्योंकि मॉडर्न वॉरफेयर को ये अडॉप्ट नहीं कर पाए। ये अभी भी उसी हिट एंड रन और गुरिल्ला वॉरफेयर टैक्टिक्स में बिलीव किया करते थे, जबकि अब वो इफेक्टिव नहीं रही है। अब आर्टिलरी चाहिए आपको, अंग्रेजों के पास बहुत अच्छी आर्टिलरी थी, मॉडर्न वेपन्स चाहिए, वो इनके पास नहीं थे। फिर इसके बाद इन्होंने पॉलिटिकल, मिलिट्री और डिप्लोमेटिक स्ट्रेंथ को नकार दिया। इनको लगता था कि ईस्ट इंडिया कंपनी तो एक यूरोपियन पावर है, ये क्या हमारा उखाड़ लेंगे। यही वाली जो सोच है ये कंटिन्यू होती गई, जबकि ईस्ट इंडिया कंपनी प्लासी, बक्सर, एंग्लो मैसूर युद्ध के बाद बहुत पावरफुल हो चुकी थी। तो इन्होंने डिप्लोमेसी को अंडर एस्टिमेट किया, ये निजाम या मैसूर के साथ हाथ मिलाने को तैयार नहीं थे कि जेन्युइनली हम सब मिलकर ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ लड़ाई लड़ें। इस तरह की डिप्लोमेटिक सोच ना तो इनमें थी, ना मैसूर में थी, ना निजाम में थी। तो कुल मिलाकर डिप्लोमेटिक फेलियर था बहुत बड़ा मराठास का। और ईस्ट इंडिया कंपनी ने क्या करा, पहले मैसूर के खिलाफ मराठास को यूज़ किया और फिर मराठास के खिलाफ मैसूर की आर्मीज़ और रिसोर्सेज को यूज़ किया। इस तरह से ये दोनों एक दूसरे के खिलाफ रिसोर्सेज और आर्मीज़ को यूज़ करवाकर दोनों बड़े बड़े पावर्स को इन्होंने खत्म कर दिया। फिर ईस्ट इंडिया कंपनी ने स्पेशली आर्थर वेलेस्ली के नेतृत्व में ज्योग्राफी को बहुत अच्छे से स्टडी किया। इनफैक्ट बैटल ऑफ असाई आर्थर वेलेस्ली इसलिए जीत पाया था क्योंकि उसने उस एरिया की ज्योग्राफी को बहुत अच्छे से स्टडी किया, कहां पर नदी है, कहां पर खाई है, कहां पर पहाड़ हैं, ये सब उसको अच्छे से मालूम था। तो उसने दोनों सिंधिया और होलकर की आर्मीज़ को घेर लिया था बैटल ऑफ असाई में। उसने लोकल लैंग्वेज सीखी, कस्टम सीखे, लोकल लोगों की मदद ली, ज्योग्राफी टोपोग्राफी के लिए गुप्तचर इस्तेमाल करने सीखे इन्होंने। तो ये सब काम एक बाहरी ताकत होते हुए भी इन्होंने किया। मैप्स तैयार किए, अपने कैंपेन्स को अच्छे से प्लान किया, जैसे जनरल लेक का जो कैंपेन है वो काफ़ी वेल प्लान्ड कैंपेन था। और डिप्लोमेसी को यूज़ किया, गायकवाड्स को पहले ही अपनी साइड कर लो, एक पांच में से एक पावर को पहले ही साइड कर दो, इस तरह के डिप्लोमेटिक हथियार इन्होंने इस्तेमाल किए। तो अब 1823 में जब सारे मराठा मैसूर वॉर्स खत्म हो चुके हैं, अब आप भारत की स्थिति देखो, जो जो पिंक एरिया है वो सारा ईस्ट इंडिया कंपनी के डायरेक्ट कंट्रोल में है और जो लाइट ब्लू कलर में है ये सब सब्सिडियरी अलायंस साइन कर चुके हैं। तो आप अगर कोस्टलाइन को देखोगे तो देखो इन्होंने कोस्टलाइन पूरी अपने कंट्रोल में ले ली, पूरी कोस्ट इनके कंट्रोल में है। बस केवल कुछ एरिया यहाँ गुजरात का इनके कंट्रोल में नहीं है, लेकिन यहाँ पर भी सब सब्सिडियरी अलायंस साइन हो चुकी है। 1800s और 1820 के बीच में इन्होंने सारे राजस्थान के राजपूत किंग्स के साथ में भी सब्सिडियरी अलायंस को साइन कर लिया था। यहाँ निज़ाम इनके साथ में थे, मैसूर इनके साथ था, मराठा सरदार इनकी सब्सिडियरी अलायंस में थे, अवध इनकी अलायंस में था। पीछे बचे केवल दो बड़े पावर, एक तो नेपाल गुरखा किंगडम और यहाँ उत्तर में सिख। इनकी कहानी हम डिस्कस करेंगे अगले लेक्चर में। जाते जाते बस एक पॉइंट ऐड करना चाहता हूँ, इस समय में कंपनी ने कई पेंटिंग्स बनवाई जिनमें से कई मैंने इस लेक्चर में यूज़ भी करी हैं। इन पेंटिंग्स में आप हाइब्रिड स्टाइल देख सकते हैं, यूरोपियन प्लस इंडियन इन्फ्लुएंसेस दोनों आपको इनमें देखने को मिलेंगे, ठीक है। और ये पेंटिंग्स यूरोपियन पेटर्न्स को बहुत पसंद थी, यूरोप में अपने घरों में लगाते थे इसको लोग, ठीक है। तो ये पेंटिंग्स जो है इसको हम आर्ट एंड कल्चर में भी डिस्कस करेंगे, बट यही वो समय था जब इस तरह की पेंटिंग्स बननी शुरू हुई, कंपनी पेंटिंग्स कहा जाता था इन्हें। इसी के साथ ये लेक्चर समाप्त होता है, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू वेरी मच, हैव अ ग्रेट डे।